हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये हमारा जो टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस पे, आज के चार्ट में। मतलब आज हमने कैसे एनालिसिस किया और कैसे हमने आज ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। तो ये मेरा सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। इसको आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम पर हम क्या करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। ये कल वाले, ये जो कल किया था वही, और ये एक सपोर्ट मार्क कर लिया मैंने। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, बाकी काम हम 5 मिनट पे करते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हम 5 मिनट पे आएंगे, मतलब कहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, वो 5 मिनट पे देखेंगे हम। वही आप देख सकते हैं, पैटर्न भी बना हुआ। तो यहाँ से डाउन भी आई मार्केट, और अब यहाँ से ऊपर भी जाने के चांस होंगे, वो आप समझाएंगे कैसे। पर आप 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं। तो ये 5 मिनट के चार्ट पर हम आ गए यहाँ पे, और अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने ट्रेड कहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो जो सबसे पहले ट्रेड था वो हमारा कॉल साइड था। वो ऐसा क्यों? क्योंकि आप साफ देख सकते हो ये डब्ल्यू बनाया, पर ये डब्ल्यू जब नहीं बना था ना हमने, तभी यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया था। और उस एंट्री को लेने का रीज़न भी था कि प्रीवियस में एक जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ से मार्केट ऊपर गया है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए प्रीवियस में देखो कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। ये इसके अंदर, निफ्टी के अंदर हमने कॉल साइड ट्रेड आइडेंटिफाई किया। और एक लॉजिक ये भी था, क्योंकि अब मार्केट ने जो एसएल थे डाउन साइड वो भी निकाल लिए थे, तो क्या था, जो ऊपर वाले सेलर है अब एसएल ऊपर था, तो वहाँ पे मार्केट को जाना था। इसलिए मार्केट यहाँ से 2 बार सपोर्ट लेकर यहाँ पर ऊपर चली गई मार्केट। हमने ये रेजिस्टेंस तक अपने टारगेट को रखा था, जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ तक हमने इसको रखा था। और इसका रखने का लॉजिक भी ये था, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करता, थोड़ा गिरने के बाद हमें, मतलब हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता था, इसलिए हमने यहीं पर इसको एग्जिट कर दिया। और इसका रीज़न भी ये था, ये देखोगे आप कि जो ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, चांस था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर ऐसा नहीं किया, मार्केट ऊपर चले गया। जो ऊपर रेजिस्टेंस है वहाँ पे गया, वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। हमने यहाँ पे 3 ट्रेड आइडेंटिफाई किया निफ्टी के अंदर, 3 ट्रेड आइडेंटिफाई किया हमने, क्योंकि जो स्पोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसलिए, क्योंकि मार्केट जैसे ही ये स्पोर्ट पे आई थी तो मार्केट को गिरना था, लोगों को लगेगा कि यहाँ पे स्पोर्ट है तो वो यहाँ पे बाय करेंगे, पर हमें क्या करनी थी, सेलिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग की थी। जो ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, मिडल वाला लाइन, इसमें हमने एक ट्रेड पुट कर लिया था। क्योंकि अब जो ये मिडल लाइन है, मतलब मिडल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था पुट साइड का, हमारा ये भी यहाँ पे हिट हुआ। अब जो ये स्पोर्ट है, यहाँ तक हमने इसका टारगेट रखा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो प्रीवियस में जाके देखोगे तो बहुत बड़ा स्पोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जो मैंने इस लाइन मार्क किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने ये अपना टारगेट डन कर लिया है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देखेंगे कि हमने ट्रेड कैसे बनाया था। तो वीडियो का एंड तक देखना, और जैसे जैसे मैं करता हूँ एनालिसिस, ऐसे ऐसे आप भी करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। पहले तो ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है, आज भी गिरा। और एक अभी यहाँ से सपोर्ट मार्क करूँगा मैं, ये हमने यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ये ऊपर गया, यहाँ से मैं एक सपोर्ट मार्क करता हूँ, ठीक है। और एक और मिडल में जो है रेजिस्टेंस, इसको मार्क कर लेते हैं, मिडल का छोटा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से मार्केट बार बार गिर रहा है ना। तो 3 हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने मतलब कहाँ ट्रेड लिया आज, वो डिसाइड करेंगे। हमने रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लिया, हमने रिटेस्ट के स्पोर्ट पे ट्रेड लिया, वो भी सिर्फ कॉल साइड। तो क्यों लिया वो बताऊँगा। जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरा था, जो प्रीवियस का स्पोर्ट है वहाँ से मार्केट दोबारा वापस आया, तो चांस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा फिर ऊपर जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड एक एंट्री बनाई बैंक निफ्टी के अंदर। जो ये अपना स्पोर्ट है, यहाँ हमने ट्रेड लिया, ये यहाँ से हमने इसको मार्क किया। इस प्रकार हमारा टारगेट हिट हुआ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चलेगा प्रीवियस में से हमने इसको मार्क किया था। अब हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ट्रेंड लाइन से हमें पता चलेगा कि यहाँ अभी कहाँ से मार्केट गिर सकता है और मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट में हमें पुट साइड का एक ट्रेड मिलता था, तो हमने यहाँ पे पुट साइड एक ट्रेड बनाया बैंक निफ्टी के अंदर। जो ये अपना रेजिस्टेंस है मिडल वाला, यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया, और ये सपोर्ट तक टारगेट रखा।
और चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट आपको बहुत तगड़ा स्पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। जो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है ये ऊपर जा सकती है। अभी यहाँ पे कोई चार्ट नहीं बना हुआ पर फिर भी हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। चांस है कि ये जो स्पोर्ट है ना यहाँ पे मार्केट बार बार आई है, तो अभी ऐसे ऊपर जाने के चांस होंगे, तो ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है और ऐसे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। कॉल साइड एक ट्रेड बनता है तो हम बनाएंगे बाद में। ये हमारा टेलीग्राम में से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो गाइस, यहाँ से मैं बोल रहा था ना कि ऊपर जाएगा, तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला है, क्योंकि प्रीवियस में एक सपोर्ट था, तो इसलिए चांस था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।